हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दुआ करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास है स्प्लेंडर प्लस। तो दोस्तों, इसका हमने निकाला है पूरा इंजन। तो इसकी हो गई थी क्रैंक खराब, इसकी क्रैंक खराब हो गई थी। इसमें हम आपको जानकारी देंगे जो क्रैंक खराब हो जाती है, क्या क्या खराब हो जाता है और उसमें क्या क्या डलवाना चाहिए और कितना खर्चा आता है। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे तभी आपको पता चलेगा। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के कर देना अल्पसेट, ताकि हम नई वीडियो जब भी डालें सबसे पहले आपको मिल जाए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए इसके बारे में जानकारी देते और आपको बताते। पहले ये जो होती है हमारी क्रैंक असेंबली रोड होती है, इसमें क्या पहचान होती है ख़राब होने की, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जो होता है एक हाथ से इस तरह से टांगनी है क्रैंक, इस तरह हाथ से टांग करके, और जो यहाँ पे पिन होती है यहाँ पे अपनी हथेली से चोट मारनी होती है और इसमें आवाज़ आती है। ये आप सुन पा रहे होंगे, इसमें आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों, इसकी जो पहचान होती है हमारी क्रैंक रॉड की, ये ख़राब होने की यही पहचान होती है। ये आवाज़ करती है, साउंड करती है इस तरह से। ये चेक करनी होती है तो जब बाइक में चलती है तो खड़खड़खड़ इस टाइप की आवाज़ करती है। और जो इसके बैरिंग होते हैं ये भी दोनों ख़राब हो जाते हैं। तो जो हमारी ये क्रैंक रॉड होती है, ये अगर आपको ओरिजिनल डलानी है, ओरिजिनल ही डलानी है दोस्तों आपको, ताकि अपनी बाइक की जो है इंजन की लाइफ ज़्यादा रखनी है, तो आपको ये ओरिजिनल ही डलानी है। जो कि ये हीरो की है, 650 रुपये के समथिंग ये पड़ जाती है। और इसके जो बैरिंग होते हैं ये भी हमें दोनों ही चेंज कराने बहुत ज़रूरी होते हैं अगर अपनी क्रैंक की ज़्यादा लाइफ रखनी है। तो दोस्तों, क्रैंक की ज़्यादा लाइफ होगी तो इंजन की ज़्यादा लाइफ होगी, क्योंकि ये जो होता है मेन पार्ट होता है इंजन का, इसी के द्वारा सारा हमारा इंजन जो होता है सारा चलता है और इसी पे बहुत सारा लोड होता है। जितना भी गाड़ी का लोड होता है क्रैंक पे ही होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपनी बाइक का इंजन करा रहे हैं तो लालच बिल्कुल ना करें। ये जो कनेक्टर रॉड होती है असेंबली रॉड, इसको हीरो की डलाएं आप, समथिंग 650 रुपये की होती है। और जो ये बैरिंग होते हैं ये दोस्तों NBC के पड़ाएँ ओरिजिनल, जो कि 300 कुछ रुपये, 10 या 20 रुपये के समथिंग है दोनों बैरिंग। स्प्लेंडर बाइक के ये दोनों बैरिंग मिल जाते हैं इसने। और ये जो खर्चा आएगा फिटिंग का, जो फिटिंग करता है इसको, वो 200 या 250 रुपये के समथिंग खर्चा आ जाता है। तो इसका जो कंप्लीट खर्चा होता है दोस्तों सिर्फ 1200 या 1220 रुपये का टोटल खर्चा बैठता है, जो कि हमारी क्रैंक वो है क्रैंक एक नंबर में इसका काम हो जाता है सारा। तो दोस्तों, जो हमने क्रैंक के बारे में जानकारी दी आपको, कैसी लगी हमें एक प्यारा सा कर देना कमेंट। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो कर देना लाइक, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ कर लियो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।